शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। और जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। और जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है। कि नहीं चलेगी शिवराज तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। अवैध रूप से ये टोल टैक्स लगा है रातों रात, जनता को राहत देने की जगह सरकार आज जनता के ऊपर टैक्स वसूल रही है। ये कहाँ का न्याय है? आज जनता पूरी तरह से परेशान है, पेट्रोल के भाव बढ़े हुए, डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। शिवराज सरकार राहत देने के बजाय उनके ऊपर वो टैक्स की मार रही है, ये उचित नहीं है। यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है और जनता के लिए हमेशा यूथ कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। जो हमने ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने का इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अगर ये 8 दिन के अंदर बंद नहीं होता है टोल, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ सर्वेलिया में एक नया टोल बूथ शुरू किया है पिछले 5 दिनों से। शुरुआत के 2 दिन तो बंद रखा था क्योंकि आम जनता को सूचना नहीं हो पाई थी। उसके बाद 10 तारीख से इसको रेगुलर चालू किया है। गवर्नमेंट के निर्देश है, गवर्नमेंट के निर्देश पे चालू हुआ। युवा कांग्रेस विरोध के स्वरूप ज्ञापन दिया है, ज्ञापन शासन तक दिया जाएगा।